एक थाना क्षेत्र के गांव में सामूहिक दुष्कर्म की शर्मसार करने वाली घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़िता अपने परिजनों के साथ न्याय की आस में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। परिजनों का कहना है कि आरोपी फोन पर धमकी देकर दबाव बना रहे हैं। आज एसपी से मिलकर आने के बाद पीड़िता की माँ की तबीयत खराब हो गई और वह जमीन पर गिर गई। होश आने पर उन्होंने बताया कि नर्सिंग कर रही बेटी को शादी का झांसा देकर यासिफ व साहिल ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दोनों आरोपी पीड़ित युवती की अश्लील वीडियो बना लगातार दुष्कर्म करते रहे। युवती पेट में दर्द होने पर सोनोग्राफी में 3 महीने की गर्भवती होने की बात सामने आई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दोनों को एक दिन बंद कर छोड़ दिया, जो बाहर रहकर उन्हें अलग अलग नंबरों से धमकी दे रहे हैं। पीड़िता को न्याय के लिए कभी रामगढ़ तो कभी अलवर एसपी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मेरी बच्ची ले, अब मेरे बच्चे आते घर आते थे, एक साहिल है, एक यासिफ है। क्या करा इन्होंने? मेरी बच्ची बहुत गलत करा इसने, मेरे बच्चे की जिंदगी उजाड़ दी इन्होंने। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सब एक तो गोविंदगढ़ रहता है, मोरिया का रहने वाला है, एक बड़े निगाम का है आसिफ। कैसे क्या घटना हुई थी लड़की के साथ? घटना ये हुई साहब, मेरे बच्चे को रूम पे घेर ले गए, कभी कहीं घूम घेर ले गए। अब मेरे बच्चे पर एक नेट हुई पड़ी है सर, रामगढ़ थाना में कोई सुनाई ना हुई हमारी। अब आप सर, मेरे बच्चे की जिंदगी उजाड़ दी, मेरे बच्चे बंगोर बाईपास में नर्सिंग करती थी, होम हॉस्पिटल में मेरे बच्चे फिलहाल में नर्सिंग कर रही है। कितना समय जिस बात पर निकलो, हमने केस करे थे रामगढ़ थाने में, वहाँ पे हमारी सुनाई नहीं हुई। आज तारीख 14 होगी, वहाँ से अभी आया यहाँ पे आए भाई हम। अच्छा, किससे? एसपी साहब से मिले। क्या बोला है उन्होंने? उसने ये कही है, आप घबराना मत, आपका न्याय मिलेगा। यही चाहूँ मैं तो सबसे, मेरा न्याय मिले। मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है, किसी और बच्चे के साथ भी होगा, ऐसा अनुत होगा तो बच्चे कैसे जिएंगे। ठीक।